हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दो तरह के फ्राइड राइस। और फ्रेंड्स, ये जितने खाने में टेस्टी होते हैं और बनाना उतना ही आसान, एक दो मिनट में बनकर ये तैयार हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से फ्राइड राइस बनाएंगे तो हर बार आप इस तरह से बनाकर खाएंगे, इतनी ये टेस्टी होती है, ये मेरी गारंटी है। फ्रेंड्स, ये फ्राइड राइस को कैसे बनाते हैं तो चलो फ्रेंड्स अभी हम वीडियो में देखते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने लिया एक तरह से एक पैन, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और 1/4 चम्मच डालेंगे राई फ्रेंड। और जब राई टरक जाए तो उसमें डालेंगे 2 पिंच हींग और ये जो बचे हुए चावल थे वो इसमें मैं डाल दूंगी। अभी इसमें हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे 1/4 चम्मच डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, चुटकी भर ये हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हम मैगी मसाला डालेंगे यानी कि मैजिक मसाला डालेंगे, और 1/4 चम्मच हम डालेंगे नमक या तो स्वाद अनुसार नमक। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जैसे कि जो मसाले हैं अच्छी तरह से चावल में चपक जाए। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते और फिर से हम इसको चला देंगे। अभी फिर क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा पानी लेके और पानी का हम थोड़ा सा छींटा लगाएंगे और फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी फिर ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पे कुछ ही सेकंड के लिए इसको हम पकाएंगे, जैसे कि जो मसाले हैं उसका कच्चापन निकल जाए। आधा मिनट हो गया, मैंने गैस अभी बंद कर दिया है और चावल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, इसको अभी हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो चावल है 1 मिनट में बनकर तैयार होते हैं और पर खाने में इतने टेस्टी होते हैं। जब भी आपको कुछ ज़्यादा बनाने का मूड ना हो, आप थक गए हो, तो आप इस तरह से ये फ्राइड राइस बनाए, आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ सिंपल खाने का मन होता है और टेस्टी खाने का मन होता है, तो आप इस तरह से ये फ्राइड राइस बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। 1 से 1.5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं, इससे क्या होगा, आपका पेट भी भर जाएगा और ये वो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी दोनों रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में है नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर प्रेस कीजिएगा, जैसे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अभी हम दूसरे टाइप के फ्राइड राइस बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने पैन में 2 चम्मच ऑयल डाला है। जब तो ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब कटा हुआ बारीक बारीक प्याज, 2 चम्मच हम डालेंगे गाजर, 2 चम्मच हम डालेंगे बीन्स और 2 चम्मच हम डालेंगे बॉयल्ड आलू जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1 चम्मच मैंने हरी मिर्च और 1 चम्मच मैंने रोस्टेड सिंग दाना को डाला है। आप इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हो, जैसे कि ग्रीन पीज हुए, स्वीट कॉर्न है या तो शिमला मिर्च है, कोई भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हो। सब्जियों को मैंने 1 मिनट पका लिया है, अभी इसमें हम डालेंगे शेजवान चटनी और ये जो शेजवान फ्राइड राइस मसाला है वो इसमें हम डालेंगे। फ्रेंड्स, आप दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हो, अगर दो ही हो तो आप दोनों ही डालिएगा, आपके जो चावल है बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप सब्जी चावल या दाल चावल खाना भूल जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। अभी इसमें हम डालेंगे जो बचे हुए चावल है वो इसमें डाल देंगे और थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते, अभी सभी को हम अच्छी तरह से चला देंगे। फ्रेंड्स, ये जो फ्राइड राइस है इतने टेस्टी बनते हैं कि आप जानबूझकर ये चावल को बचा के रखेंगे, जिससे कि आप फ्राइड राइस बना सको। फ्रेंड्स, थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो 1/4 चम्मच मैंने नमक डाला है, थोड़े से पानी के मैंने छींटे अभी डाल दिए हैं, जैसे कि नमक का कच्चापन दूर हो जाए। अभी सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पे हम 1 मिनट के लिए पका देंगे। 1 मिनट हो गया है और हमारे चावल तैयार हो गए हैं, अभी इसको हम एक प्लेट में सर्व करते हैं। और फ्रेंड, यकीन मानिए दोनों तरह के जो फ्राइड राइस है इतने टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।